हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लड़ीज बस्ती कड़ागा। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 6 और मैं आया हूँ गाइस खेतों की तरफ। और भाई यहाँ पर तो ठंडी पड़ रही है, मतलब मैं 2-3 दिन से यार फ़ैन नहीं यूज़ कर रहा हूँ भाई। और ऊपर से क्या बताऊँ भाई, इतनी ठंडी पड़ रही है, मतलब अगर ऐसे ही रहा तो लगभग दिवाली तक गाइस पूरी ठंडी पड़ने लगेगी, दिवाली तक। तो अभी कुछ दिन का समय है लेकिन यार अभी से ही इतना ठंडी पड़ रहा है, वैसे इतना शीत भी गिर रहा है, देखो पूरा शीत है, देखो देख रहे हो। यार अभी चलते हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं है गाइस पुल पर। अभी देखो बहुत लोग का धान हो चुका है, देखो जैसे कि ये हो गया धान, लेकिन इसे काटने के लिए गाइस मशीन नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा गीला है तो मशीन फंस जाएगा इसमें। और देखो ये नहीं हुआ है अभी, देखो ये सब होगा दिवाली के टाइम पर, ये पूरी ठंडी पड़ने लगेगी तब। और देखो इसमें से देखो निकला ही नहीं है कुछ धान वगैरह, कुछ निकला ही नहीं है। तो भाई ये इतना टाइम लेगा, अभी यहाँ पर बहुत मतलब लेट हो गया है धान वगैरह, तो किसी किसी का हो गया है, किसी किसी का अभी नहीं हुआ है और किसी किसी का अभी निकला भी नहीं है। तो फिर देखते हैं कब तक होगा, ब्लॉग तैयार बनाएंगे भी जब होगा तब कटाई वगैरह का। देखो ये सब कुछ पक गया लेकिन देखो बीच में गिर गया, उधर बारिश की वजह से और हवा की वजह से ये सब गिर गया, तो फिर कटेगा कैसे भी कटेगा। पर पानी में सब कुछ हो गया है तो मुश्किल को थोड़ा, लेकिन काटेंगे जिसका उनका काटना तो यार पड़ेगा ही ना। तो देखो ये पूरा हो गया यार, दिखाते हैं नज़दीक से, देखो पूरा हो चुका है, इसको काटने की खाली देरी है बस। और ये जो ज़मीन है वो भीगा हुआ है ज़्यादा, मतलब कीचड़ वगैरह है, जब ये सूखेगा तभी ये कटेगा। इसको हाथ से काटना रहेगा तो भाई वो तो काट ही लेगा, इसको मशीन से काटना रहेगा वो भाई वेट करना पड़ेगा लगभग दिवाली तक। और अभी बजा है 6:30 और ये सूर्य भगवान निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यार इस मेरे गाँव का, देख रहे हो भाई अलग ही है यार। मैं बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे सुबह आ रहा हूँ भाई, बहुत सवेरे मतलब 6 बजे, बाकी मैं लेट आता हूँ, कभी कभी आता हूँ तो मैं लेट आता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत पहले ही आ गया 6 बजे, क्योंकि मैं 4 बजे से जग रहा था, 4 बजे से यार वीडियो अपलोड कर रहा था, जो हो गया है थोड़ा बहुत रह गया था बट अब हो गया पूरा। तो गाइस आ गए हैं बाग में, अब चलते हैं गाइस घर और ब्रश वगैरह करते हैं फिर कुछ खाते हैं। फाइनली गाइस ब्रश वगैरह कर चुके हैं, लिया गया पास्ता, अभी इसको खाते हैं पहले। अभी बज रहा है 11:30 और मैं चल रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए, फिर चलते हैं खाना खाते हैं। फाइनली गाइस खा लिए नहा लिए, फिर उसके बाद अभी बज रहा है 4:30 और मैं जा रहा हूँ बाज़ार में, क्योंकि यार कल गए थे गेहूँ रखने के लिए तो अभी आटा लेकर आना है, पिसाई हो गई होगी इसकी, तो फिर चलते हैं गाइस बाज़ार में आटा लेने के लिए। तो भाई ये रही साइकिल, अभी इससे चलते हैं। तो भाई निकल दिया बाजार के लिए अपने साइकिल से, सकते हो। भाई बाजार आए थे तो सब्जी भी ले लिए, अब चलते हैं गाइस आटा लेने के लिए, पूरा दुकान अभी चलते हैं। तो भाई ये रहा मेरा आटा, अभी इसको ले चलते हैं गाइस कांटे पे, ये भाई रख दिए कांटे पर, देखो अब भाई चलते हैं पेमेंट करते हैं जल्दी से। फाइनली गाइस साइकिल पर रख दिए, अब लेके चलते हैं गाइस घर। फाइनली गाइस आटा और सब्जी रख दिए घर, अब जा रहे हैं गाइस गैस लेकर, क्योंकि यार गैस ख़त्म हो गया था तो इसको चल रहे हैं गाइस दूसरा लेने के लिए सिलेंडर, तो फिर चलते हैं अभी। गाइस ये रहा गैस, तो इसको लेकर चलते हैं गाइस बाइक पे लादते हैं।
गैस वगैरह सब कुछ घर पर रख के अब चलने गाइस बाग में। तो भाई यहाँ पर एकदम शाम हो चुका है, देखो पीछे सूर्य जी पूरा डूब चुके हैं और इधर चंद्रमा निकल रही है, हमें दिखाते हैं। ये देखो चंद्रमा। तो अभी आनंद ताल के पास बैठा है, अभी इसको लेकर चलते हैं पुल की तरफ। तो अभी पीछे आनंद आ रहा है, उसके बाद चलते हैं हम लोग पुल की तरफ। भाई इसी टाइम से सिद्ध गिरना चालू हो गया, अभी दिखाते हैं आप लोग को। इधर देखो देखो हल्की हल्की गाइस सीत, कहाँ मेरा हाथ गया, ये देखो हल्की हल्की गाइस सीत इसी वक्त से चालू हो गया गिरना। अभी रात भर गिरेगा, फिर सुबह को आप लोग को दिखाएंगे बहुत अच्छा सा, बहुत ही तगड़ा व्यू रहता है सुबह को सीत वाला, वाइट वाइट वाला गाते ऐसे परत पर ऐसे, मतलब परत वगैरह ऐसे बना रहता है, मतलब एक परत दो परत फिर तीन परत ऐसे बना रहता है, मतलब सुबह को एकदम 6 बजे आके दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस बहुत दिनों के ताल नहीं आप लोग को दिखाए, तो ये रहा ताल, इसमें मछलियाँ हैं और इसमें भी गाइस मछलियाँ हैं, दोनों में मछलियाँ हैं मछलियाँ। फिर ये शायद होली तक तैयार हो जाएंगी मछलियाँ, फिर इसके बाद इसमें जाल पड़ेगा और मछलियों को बाहर निकाला जाएगा, फिर इसके बाद बाजार में जाएगा। तो भाई ये देखो यहाँ का केला गायब हो गया, अभी दिखाते हैं कोई सांप वगैरह ना रहे। भाई ये देखो केला पूरा गायब हो गया ऐसे, खाली केले के खाली फूल बचा है, देखो नीचे ऊपर सब केला गायब हो गया, पता नहीं कोई लेकर गया इसको घर पर पकौड़ी चलने के लिए। तो ऐसे ऐसे होता है मेरे गांव में, होता रहता है। और देखो नल के पास कितना घास वगैरह हो गया है किनारे किनारे, कोई आता जाता है ना यार यहाँ पे, इसीलिए सब घास वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तो कभी कभी हम ही लोग खाली आते हैं और कोई आता नहीं है यहाँ पे। तो इधर देखो पूरा आने जाने लायक गाइस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होते हैं यहाँ पे। और गाइस ये देखो बंटी बबली देख रहे हो, दारू नहीं रे बाबा दवाई है, बंटी बबली लाइम देसी शराब सुवासित लगभग क्या है 44, क्या लिखा है मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या, क्या दवाई है रे मिट गया। तो भाई ये है 55वां जो कि अब 50 में मिलता है, भाई बहुत खराब चीज है, देखो इसको एक दो भाई, अरे यार हाथ धुल लेते हैं, नहीं तो हाथ भी धुलना पड़ता है ऐसे बेकार चीज छूने से, सबसे बेकार चीज यही सब है। फाइनली गाइस हो चुकी है रात और हम लोग चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि यार रात हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा जाने में यहाँ से, फिर चलते घर। देखो फ्लैश लाने पे इतना लाइट आ रहा है मैं फ्लैश से गाइस रात को रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, क्वालिटी ही चला जाएगा पहले बाद वीडियो का। तो भाई अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो भाई मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। तो भाई सबसे सबसे मेन गाइस मेरे लिए है कि क्वालिटी बढ़िया रहे, कैसा भी बनाओ पर क्वालिटीदार रहे। तो भाई अब चलते हैं घर, क्योंकि नीचे कुछ यार दिख नहीं रहा है तो ऊपर ही खाई देख के चलना पड़ रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई देखो कितना अंधेरा हो चुका है, कैमरे में गाइस साफ दिख रहा है लेकिन यार मुझे नहीं दिख रहा है साफ, पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरे में देखो पूरा साफ दिख रहा है बट ऐसे रहोगे तो अंधेरा ज़्यादा हो गया। चलते हैं फिर घर पर मिलते हैं। भाई देखो मेरे गांव में देखो इतना पतला रास्ता है, देखो नीचे से दिख नहीं रहा है पूरा, देखो इतना पतला रास्ता है, सब लोग इसी से जाते हैं इसे, मतलब एक ही बिट्टे का है, देखो इतना इतना ही है, सब लोग इसी से जाते हैं इसे बहुत ही पतला रास्ता है यार, सब लोग ऐसे जाते जाते देखो रास्ता बन गया है, देख रहे हो सब रास्ता हो गया है ऐसे जाते जाते, यहाँ से देखो टू लेन हो गया, एक इधर एक इधर, इधर से हम लोग चलते हैं, देख रहे हो कितना
पतला हो गया है। तो इसी से मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ यार, इसी के ऊपर से गाइस बाइक भी जाती है, सब पैदल भी जाते हैं, साइकिल भी जाती है, सब ऐसे चला जाता है। और इससे चौड़ा नहीं होगा, ये कभी नहीं चौड़ा होगा, मतलब धान वगैरह के साइड में चौड़ा होगा, क्योंकि यार ट्रैक्टर चलेगा ना, तो ट्रैक्टर कर देता है चौड़ा रोड एक साइड कर देता है। तो अगर बाइक से चलना रहेगा तो बीच से इसे जाना पड़ता है, तो इसे पतले पतले हो जाएगा, मतलब एक ही बित्ते का है खाली है रोड, मतलब पगडंडी इसको बोलते हैं गाँव में, बाजार में कुछ बट छोड़ो नीचे किस दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं गाइस। तो भाई घर जाने से पहले वीडियो को गाइस यहीं पे नहीं करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद लाइक करना, चैनल पर गाइस नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मंगल भावना या मंगल हारे।